ये रवायत मैंने कहीं सुनी कि सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में एक नजूमी आया, सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में एक नजूमी आया, एक पामिस्ट आया जो हाथों की लकीरें भी देखता था। उसने सुल्तान महमूद गजनवी की लकीर देखी, उसने कहा कि सुल्तान तुम्हारी जो लकीर है हाथ की वो इस जगह पे आके खत्म हो रही है और तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम फतेह सोमनाथ को फतेह करने के लिए तुम इतना फासला गजनी से तय करके सोमनाथ तक पहुंच सको। तो सुल्तान महमूद ने कहा कि वो लकीर कौन सी है? उस पामिस्ट ने कहा कि ये लकीर है। उसने कहा कि ये कहां तक होती तो मैं सोमनाथ तक पहुंच सकता था? उसने कहा ये यहां की बजाय यहां तक होती तो तू सोमनाथ तक पहुंच सकता था। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, मैं खाके जिंदा हूं ताबे सितारा नहीं। मुझे अल्लाह ने अशरफ अल मखलूकात बना के मेरी तकदीर को सितारे के ताबे कैसे कर दिया? उसने अपना खंजर निकाला और अपने खंजर से हाथ की लकीर को तबील कर दिया और कहा कि आप मैं पहुंच सकता हूं वहां तक। कभी कभी कौमों को अपनी तकदीर अपने खंजर से अपनी लकीरें बढ़ा के बनानी पड़ती है।